काकोरी कांड की वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत सोमवार को जनपद के बंधु सिंह शहीद स्थल तरकुलहा मंदिर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत काकोरी में से महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का LED वैन के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद भी उपस्थित रहे और कार्यक्रम का सीधा प्रसारण को देखा। कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आजादी दिलाने में देशभक्तों के इतिहास से आने वाली पीढ़ी को अवगत कराने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन कर स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से लोगों को परिचित कराने का कार्य किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है ताकि नई पीढ़ी को शहीदों के बलिदान व उनके त्याग का महत्व पता चल सके और उनसे प्रेरणा लेकर वह देश को आगे बढ़ाने में योगदान कर सके। प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर काकोरी शहीद स्मारक स्थल पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने चित्र प्रदर्शनी तथा म्यूरल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जनपद में आयोजित कार्यक्रम में उपनिदेशक राजकीय बौद्ध संग्रहालय डॉ. मनोज गुप्ता, जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, खंड विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार सहित विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, पढ़ते थे काकोरी ट्रेन घटना, चौरी चौरा की घटना, लेकिन कभी ऐसे स्थान जो पवित्र स्थान था, ऐतिहासिक घटनाएं वहां हुई थी और देश की आजादी के लिए छोटे छोटे हमारे युवकों ने, जो हमारे सेना वीर जवानों शहीद हुए थे, उनके परिवारों को भी आज सम्मान सरकार ने किया है और इसी वजह से मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मित्रों, इधर कहा गया कि माताएं कैसी थी, मित्रों ऐसी घटनाएं जब होती थी, फांसी के फंदे पर जब हमारे युवा कार्य, जो बच्चे हैं, हमारी माता है, उसका सम्मान हो और ऐसी घटनाएं से हमारे लोगों को अवगत कराए, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। मैं आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, हमारा संकल्प क्या होना चाहिए, हमारे देश कैसे आगे बढ़े, जातिवाद नष्ट हो और राष्ट्रवाद को बढ़ावा कैसे मिले, यही काम हमें करने की जरूरत है। मित्रों, जातिवाद के कारण आज हमारा देश पिछड़ा बन रहा है। मित्रों, बहुत कभी कभी दुख भी होता है कि क्यों हम जातिवाद में बट गए हैं। रखना चाहती हूँ मित्रों, मैंने जब काला पानी की सजा नाम का एक बुक जो वीर सावरकर ने लिखा था, क्योंकि वीर सावरकर खुद 10 साल अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में रहे थे, हर एक संगठन और संस्थाएं संपन्न करेंगे इस विश्वास के साथ, इस पूरे आयोजन के प्रति आप सब ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, इसके लिए आप सबको भी मैं अमृत महोत्सव की हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद। ये आजादी के अमृत महोत्सव के आज काकोरी घटना के वार्षिकोत्सव के संबंध में शासन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी महोदय अध्यक्षता में कार्यक्रम लखनऊ में, उसका सीधा प्रसारण यहाँ कराया गया। चार स्मारक जो जनपद में है, सभी जगह पे संबंधित अधिकारीगण और जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न कराया गया और इस
पर्व के हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया गया और शासन द्वारा इसमें निर्देशित किया गया कि निरंतर ही ऐसी गतिविधियाँ होती रहनी चाहिए ताकि इसको सेलिब्रेट भी किया जा सके और सभी को जागरूक भी किया जा सके, प्रचार प्रसार भी किया जा सके। ये निरंतर प्रशासनिक विभाग, चाहे सूचना विभाग, पर्यटन विभाग और सभी जिला प्रशासन द्वारा निरंतर ऐसी गतिविधियाँ की जा रही हैं और मैं लोगों से आह्वान करता हूँ कि वो इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करें और इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं।